हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आपका क्या आरक्षक के 105 पदों पर भर्ती आचार संहिता के बाद व्यापम से होगी और इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी आयु सीमा क्या होगी और इसकी योग्यता क्या होगी और इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, इस पर संपूर्ण हम एक बार चर्चा करेंगे। तो इसको हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे इस पर। और जिनको मैथ्स पढ़ना है हॉस्टल वार्डन या व्यापम के अन्य एग्जाम के लिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक हुआ दिया गया है, सीजी एग्जाम हब। आप चाहे तो प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप उसको इंस्टॉल करके उस ऐप में मैथ्स वाली क्लास ले सकते हैं। ठीक है, कल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लिया और जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी हमारा रेगुलर और फर्स्ट वॉच करते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला। और लाभ यही मिला कि उनको ये जो कोर्स है बहुत ही कम रेट में मिल पाया और अभी भी कुछ कुछ ऑफर चल रहे हैं वहाँ पे। और अगर आप लोग को पढ़ना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं 105 पदों पर आरक्षक आबकारी आरक्षक के संबंध में। वैसे तो बहुत सारे आरक्षकों के संबंध में आप लोगों ने न्यूज में सुना था, उसमें से एक जो है ये जो चीजें है वो निकल के सामने आई है। और देखिए ये जो भर्ती है ये पर्टिकुलर इस साल नहीं, 2022 से इसमें प्रोसेस चालू है। 2022 से ये भर्ती जो है ये प्रोसेस में है। कभी विभाग की लेट लतीफी, कभी अन्य कारण, कभी कुछ और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए आखिरकार इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा इसका जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आबकारी आरक्षक को लेकर जो भर्ती विज्ञापन है सबसे पहले 105 पदों पर जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेट नहीं लिखा गया है क्योंकि अभी जो है प्रारूप तैयार किया जा रहा है और लगभग लगभग प्रारूप जो है वो बन भी गया है, कुछ कुछ चीजें बची है। लेकिन पूरा प्रारूप जब तैयार हो चुका है तो जिस दिन इस प्रारूप में भर्ती विज्ञापन निकलेगा तो जो डेट है, जैसे कि यहाँ पे नया रायपुर दिनांक 02/2024 ऐसा लिखा है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग पूछेंगे सर इसकी योग्यता क्या है, तो जो राजपत्र में इसका योग्यता है वो मैं बता रहा हूँ। आबकारी आरक्षक की जो सबसे पहले मिनिमम आयु की बात करूं, मिनिमम आयु की जो बात है वो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम है यहाँ पे 30 वर्ष लिखा है। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को छूट दी गई है 5 वर्ष अतिरिक्त, तो यहाँ पे आयु का भी जो है वो बंधन रहेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो कि व्यापम में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही फॉर्म भरेगा, तो निश्चित रूप से इसमें महिलाओं को छूट दी जाएगी। और महिलाओं के साथ साथ एसटी एससी ओबीसी और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को तो छूट मिलेगी ही, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 5 वर्ष अतिरिक्त जो है वो छूट प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो अभ्यर्थियों को 10-2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मात्र हाई स्कूल आपको उत्तीर्ण होना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें शारीरिक योग्यता की, तो शारीरिक योग्यता जो है पुरुष की ऊंचाई जो है 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब सीने का माप सामान्य के लिए जो है वो 81 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर, और सीने का माप फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वहां पे 152.4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई है ना आपको, मैंने योग्यता बता दिया, आयु सीमा बता दिया और जो आपकी शारीरिक योग्यता है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल। अब बात करते देखिए यहाँ पे पात्रता संबंधी शर्तें, जहां पे बताया गया प्रति प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने पर केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नांकित अर्हताएं रखते हो। अब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मैंने आयु सीमा भी आपको बता दिया है। अब देखिए बात करते इसकी सिलेबस की, अब देखिए सिलेबस में बहुत सारे अभ्यर्थियों को दो प्रकार का कंफ्यूजन है, जो एक चीजें सोशल मीडिया में चल रही है और जो एक चीजें वास्तविक में है। तो अब विश्वास आपको वो करना है जो हम आपको बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे जो बताया गया है आपको सिलेबस को, एक चीज मोटा मोटा बस आपको याद रखना है कि व्यापम
अब जो है हर एग्जाम 100 नंबर का लेगा और 2 घंटे का पेपर होगा। आप लोगों को ये मान के चलना है, क्योंकि जैसे ही विभाग जो है व्यापम को पूछता है कि भैया कैसे करना है बताओ ऐसा करके, तब व्यापम क्या करता है डिपार्टमेंट को बताता है कि भैया आप हमको ये जानकारी दो, 4-5 पॉइंट में लिखता है और बताता है ये जानकारी दो। अब उस जानकारी में ये बोलता है कि भाई व्यापम कि अब आपको 100 नंबर का क्यों 100 नंबर का सिलेबस तैयार करना है, जिसमें बोल सकते जो सही उत्तर होने पर 1 अंक और गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। इस प्रकार से व्यापम जो है सामने वाले डिपार्टमेंट को बोलता है कि भैया आप लोग ऐसा ऐसा करके दो। फिर सामने वाला डिपार्टमेंट को बकायदा, सामने वाला डिपार्टमेंट तो ऐसा भर्ती करता नहीं, सामने वाले डिपार्टमेंट को बकायदा बताया जाता है कि भैया रिफरेंस के तौर पर ये देखिए ये सिलेबस ऐसा कर सकते हो आप, इसमें से जो टॉपिक अच्छा लगे वो आप ले लो ऐसा करके। तो इसी में जो मैं अब आपको बता रहा हूँ लगभग लगभग देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या सिलेबस हो सकता है। तो सबसे पहले भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, दो चीज हो गया। इसके अतिरिक्त आबकारी जो आबकारी से संबंधित सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है, आबकारी से संबंधित सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, और सामान्य हिंदी रहेगा, और सामान्य हिंदी के अतिरिक्त सामान्य मतलब प्रारंभिक अंक गणित रहेगा और सामान्य हिंदी रहेगा, ठीक है, इसके अतिरिक्त हाँ लगभग इतना ही है, ठीक है, सामान्य हिंदी, अंक गणित, सामान्य ज्ञान जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ का रहेगा, और वो क्या बोलते हैं आपका आबकारी से संबंधित सामान्य जानकारी, ये इस प्रकार का जो सिलेबस है वो तैयार किया जाएगा और लगभग 100 अंकों का ये पेपर होगा, और 100 अंकों का पेपर होगा, और आप लोगों को ये जो योग्यता मैंने बता दी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। व्यापम का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना, एग्जाम देने के बाद वो आप लोगों की सूची डिपार्टमेंट को दे देगा, फिर डिपार्टमेंट आपको जो आपका फिजिकल के लिए जो जैसे मैंने आपको बताया सीना ऊंचाई ये सब चेक करने के लिए आपको डिपार्टमेंट बुलाएगा, डिपार्टमेंट में अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका चयन हो जाएगा, ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है। रही बात इसका परीक्षा कब होगा, तो देखिए परीक्षा के संबंध में आप सभी जानते हैं कि जुलाई पूरा पैक चल रहा है व्यापम का, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो 2023 में निकली है वो भी परीक्षा नहीं हुई है, जो 2024 में निकली है उसमें से बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हुई है, तो व्यापम पहले उसको प्रिफरेंस देगा, और उसके बाद बचा कुचा जो नया आएगा, बहुत सारी भर्ती आना है नए में, तो नया भर्ती जब आएगा तब आपको वो जो परीक्षा है वो आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन इसका तो पहले निकल जाएगा, जैसे आचार संहिता खत्म होगा नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज अब रेडी हो चुका है, ये चीजें जल्दी हो सकती थी पर डिपार्टमेंट की लतीफी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ, नहीं तो ये चीजें पहले हो सकती थी। अब देखिए जो भी है, लेकिन आचार संहिता के बाद ये भर्ती फिर से निकलेगी और उसके बाद आपका जो पेपर है वो अगस्त में हो जाएगा, ठीक है, तो बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को तैयारी करनी है और तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। और भी जो भी जानकारी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप जुड़ जाइए और वहां टेलीग्राम से पूरा जो वैकेंसी से संबंधित है लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूंगा। इसके अतिरिक्त फेसबुक लिंक भी है, फेसबुक में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे भी हम डाल देंगे कुछ कुछ जैसे इसी से संबंधित वैकेंसियों से संबंधित, और आप जुड़ सकते हैं दोनों से, टेलीग्राम से फेसबुक से, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं तक।